दोस्तों खूबसूरत चेहरा सभी को अच्छा लगता है, परंतु यदि हमारे चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाता है, तो ये हमारी सुंदरता को ख़राब कर देता है। हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, हमारे गाल पर, हमारी नाक पर, हमारे कई बार होठों के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर काले काले निशान से पड़ जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? झाइयाँ होने का कारण है दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस। कई लोगों को प्रेगनेंसी में झाइयाँ हो जाती हैं, बहुत से लोगों को मेनोपॉज के समय ये झाइयाँ पिगमेंटेशन हो जाता है। जब मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है दोस्तों, तो मेलेनिन बढ़कर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर शुरुआत होती है पिगमेंटेशन की। ज़्यादातर पिगमेंटेशन दो तरह का होता है, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में हमारे स्किन में जो पैचेस आते हैं ना, जो धब्बे आते हैं ना, गहरे रंग के होते हैं, और हाइपो में सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे हमारी त्वचा पर आ जाते हैं। इस होम रेमेडी में दोस्तों आपके लिए जो लेकर आई हूँ, मैं तीन तरह की होम रेमेडी बताऊंगी। जो रेमेडी का सामान आपके यहाँ है आप उसे जरूर लगाएं। रेमेडी नंबर वन, चावल का आटा, राइस फ्लोर हम सभी के घर पर होता है। नहीं है चावल का आटा, परेशान ना हो, एक कटोरी चावल को ग्राइंडिंग जार में डालकर, ग्राइंड करके छान कर आप उसका पाउडर बना लें। और चावल के आटे में, चावल के पाउडर में आपको मिलाना है नींबू का रस, लेमन जूस। विटामिन सी से भरपूर होता है और पिगमेंटेशन को जड़ से समाप्त करने के लिए तो लेमन जूस सबसे बेस्ट है। आधा नींबू का रस मैंने राइस फ्लोर में डाल दिया है, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और बस इस पैक को लगाना है। चावल का आटा, इसके जो बारीक बारीक कण होते हैं दोस्तों, एक स्क्रब की तरह काम करते हैं, हमारी त्वचा में से डेड सेल को रिमूव करता है, हमारी त्वचा पर कसाव लाता है। आप देख सकते हैं दोनों गाल, नाक, होठों के ऊपर ये झाइयाँ जो कि हमारी सुंदरता को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। ऐसा नहीं कि झाइयाँ एक बार ठीक हो जाएंगी तो दोबारा नहीं होंगी, यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो झाइयाँ दोबारा भी हो जाती हैं, पिगमेंटेशन दोबारा भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप धूप में जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे तो भी होता है, नींद पूरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तब भी हो जाता है, बहुत से लोगों को PCOD में भी हो जाता है। इस चावल और नींबू के रस के पेस्ट को आपको अपने उस जगह पर लगाना है जहाँ पर पिगमेंटेशन है। नींबू उस जगह को नेचुरल तरीके से ब्लीच करेगा, ब्यूटी पार्लर से जो ब्लीच कराते हैं ना, उसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी रेमेडी है दोस्तों। विटामिन सी मिलेगा स्किन को और लेमन जूस जो होता है एक माइल्ड एसिड होता है, पिगमेंटेशन के काले झाइयों को हटाने के लिए एक रामबाण नुस्खा है। रेमेडी नंबर टू, नारियल तेल में ये एक चीज़ मिलाकर लगा लें, 100% झाइयाँ जड़ से समाप्त होंगी। एक चम्मच नारियल का तेल, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि चेहरे पर लगाना है इसलिए। उसमें मिलाना है आपको हल्दी, यदि शुद्ध हल्दी है तो हल्दी का पाउडर चुटकी भर, केवल पिंच ऑफ टर्मरिक लेना है। अगर हल्दी की गठान है तो उसे पत्थर की चौकी पर घिस कर उसका पेस्ट बना लें। मैंने यहाँ पर हल्दी की गठान को घिस लिया है चौकी पर, उसके पेस्ट को डाला है नारियल तेल में ताकि शुद्ध हल्दी हो। ये हल्दी आपके चेहरे को पीला नहीं करेगी क्योंकि हल्दी मैंने बहुत कम ली है। इस पेस्ट को रात भर लगा कर रखना है अपनी झाइयों पर, एक सप्ताह करके देखें पिगमेंटेशन जड़ से समाप्त होगा। आप चाहें तो इस पेस्ट को चेहरे पर इस तरह से मसाज करते लगाएं, आधा घंटा लगे रहने दें। नारियल तेल और हल्दी अपने आप में झाइयों को समाप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद सोते समय आप चाहें तो एक सूती कपड़े से चेहरे को हल्का सा पोंछ लें ताकि आपके कपड़ों पर हल्दी के दाग ना पड़े, परंतु चेहरे को धोना नहीं है, रात भर इसे लगे रहने देना है ताकि नारियल तेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे, हल्दी का निकालना नहीं है, इसलिए मैंने हल्दी बहुत कम डाला है। नेक्स्ट रेमेडी दोस्तों जो आपके लिए लाई हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इतनी सारी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि मेरी रेमेडी ने कैसा वर्क किया, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने इस वीडियो को बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की है जो कि पिगमेंटेशन को वाकई में जड़ से समाप्त करती हैं। अगली चीज़ जायफल, नटमैग लिया है। जो जायफल होता है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है झाइयों को दूर करने के लिए, तो जायफल को मैं लेती जा रही हूँ। कच्चा दूध लिया है एक चम्मच और जायफल को घिसना है और इस कच्चे दूध के साथ जायफल का पेस्ट लगाकर आधा घंटा रखें। आधे घंटे के बाद चेहरे को धो लें, आपकी झाइयाँ जड़ से समाप्त होंगी दोस्तों।
झाइयाँ पिगमेंटेशन कोई बीमारी नहीं है, परंतु सुंदरता की दृष्टि से हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ये होम रेमेडीज 100% वर्क करेंगी। अगली चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर ली है दोस्तों, वो है एलम फिटकरी। फिटकरी जिसका हम पानी को शुद्ध करते हैं, चुटकी भर फिटकरी का पाउडर लेना है, कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाना है, दोनों को मिक्स करके झाइयों पर लगाएं, आधे घंटे के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें, कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं, धूप में जाएं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। वीडियो को